हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज हम सीखेंगे कि हम एक इमेज में ब्रश स्ट्रोक इफेक्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं पिक्सआर्ट मोबाइल ऐप को यूज़ करते हुए। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के एडिटिंग वीडियोज़ आगे भी देखने के लिए। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं एडिटिंग से रिलेटेड पोस्ट करता रहता हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करेंगे, इसके बाद हम पिक कैनवस पर क्लिक करेंगे। मैं यहां से एक 1024x1024 साइज़ का वाइट बैकग्राउंड चूज़ कर रहा हूं। आप अपनी इमेज के हिसाब से कोई भी साइज़ का बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम ऐड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और जो ब्रश स्ट्रोक की इमेज है उसको हम इंपोर्ट करेंगे पिक्सआर्ट में। गाइस बैकग्राउंड के हिसाब से इमेज के साइज़ को और उसकी पोजिशन को हम सेट करेंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे और एडिट इमेज को चूज़ करेंगे। इसके बाद हम टूल्स में क्रॉप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और अपनी इमेज को थोड़ा क्रॉप करेंगे। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, मैं इसे कुछ इस तरह से क्रॉप कर रहा हूँ। इसके बाद हम ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और अपने मेन सब्जेक्ट की जो फोटो है उसको ऐड करेंगे। गाइस फोटो ऐड करने के बाद हम ब्लेंड मोड में जो स्क्रीन ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे। गाइस इसके बाद हम इमेज को जूम करके कुछ इस तरह से सेट करेंगे। आपको जो फाइनल इमेज चाहिए आप उसके हिसाब से इस फोटो को सेट कर सकते हैं। ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, इसके बाद हम ओके को क्लिक करेंगे। गाइज मैं यहाँ पे एक और इमेज ऐड कर रहा हूँ जिसमें एक स्लोगन लिखा हुआ है। आप अगर एक सिंपल फ़ोटो चाहते हैं तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। स्लोगन की ये जो इमेज है इसको भी हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा ये ठीक लग रहा है। गाइज यहाँ पे हमारी स्लोगन की इमेज भी सेट हो गई है। इसके बाद हम स्लोगन की ये जो इमेज है इसको बैकग्राउंड से मर्ज करने के लिए टूल्स में जाके एडजस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा देता हूँ 15 तक। शेडो को थोड़ा कम कर लेते हैं -47 तक और सेचुरेशन को मैं इंक्रीज कर देता हूँ 100 तक। तो दोस्तों अभी इमेज मुझे ठीक लग रही है तो मैं ड्रॉ में जाके इसको सेव कर लेता हूँ। गाइज इसके बाद हम लाइटरूम ऐप ओपन करेंगे और जो अभी हमने इमेज सेव की है उसको यहाँ पे ओपन करते हैं। इसके बाद हम राइट साइड में जो नीचे स्क्वायर आइकन है उसको ओपन कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा विनेट को ऐड कर लेते हैं, फेदर मिड पॉइंट और राउंडनेस को भी एडजस्ट कर लेते हैं। आप अपने पर्सनल टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इतना मुझे ठीक लग रहा है। गाइज इसके बाद हम नीचे की तरफ ट्रायंगल आइकन जो है उसको क्लिक करेंगे। इसमें शार्पनिंग को हम थोड़ा सा बढ़ाकर इमेज को थोड़ा शार्प कर सकते हैं और मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज़ रिडक्शन भी ऐड कर लेता हूँ ताकि इमेज थोड़ी क्लियर हो जाए। तो गाइज मुझे अभी ये इमेज काफ़ी अच्छी लग रही है तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसे सेव करने के लिए हम शेयर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सेव इमेज को चूज़ करेंगे। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।
आप चाहें तो मुझे नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।